अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहैसो वजदहा अहको बेहा। खत्म हो मदरसा शब्द और घर पर ही पढ़े कुरान। अनभक जो है मुसलमानों को गालियां देते हैं, कुरान में नुक्ता पेची करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, वहीं अनभक्तों के सरदार और पीएम मोदी खुद भी कुरान पढ़ते हैं, बल्कि कुरान पढ़ते ही नहीं समझते भी हैं, और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि समझाते भी हैं, बेहतरीन तर्जुमा करते हैं। जबकि भगवा संगठनों को इस्लाम के नाम से ही दिक्कत है, यहाँ तक कि कुछ भगवा संगठनों से ताल्लुक रखने वाले फिरकापरस्त लोगों का ये मानना है कि उनका जो जन्म है वो इस्लाम को तबाह और बर्बाद करने के लिए ही हुआ है। बहरहाल, लेकिन ऐसे लोगों को क्या पता कि उनके भ्राता यानी कि पीएम मोदी जी तो खुद माशाल्लाह सुभान अल्लाह तिलावते कुरान के उस्ताद हैं, और कुरान की तिलावत करते हैं, तर्जुमा करते हैं, इसे सीखते हैं, इसे समझते हैं और फिर लोगों को समझाते भी हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो सुन लीजिए, खुद ही देख लीजिए मोदी जी का वह वीडियो जो जुमे की नमाज से पहले वायरल हो गई थी। जब लोगों ने सुना तो सोचा होगा कि कोई पहुंचे हुए मौलाना बोल रहे हैं, क्योंकि वे तर्जुमा बता रहे हैं कुरान का और आयतों का तर्जुमा बता रहे हैं। आप भी ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखकर खुश होइए या फिर चौंकिए, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि मोदी जी कुरान पढ़ रहे हैं। अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहैसो वजदहा अहको बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान। असम में बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। जाहिर है जो लोग दिन रात एक करके एंटी मुस्लिम गतिविधियों के लिए पड़ताल में लगे रहते हैं, कभी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो कभी कुरान की आयतों में फेरबदल करने की मांग करते हैं, कभी मदरसों को बंद कराने की मांग करते हैं, तो कभी शरिया कानून को खत्म करने की मांग करते हैं। कुल मिलाकर उनका एजेंडा मुसलमानों को टारगेट करना होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर खुद कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को बयां कर रहे हैं, उन सूरह उन आयतों का मतलब बता रहे हैं, तो यकीन मानिए अंधभक्तों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। बहरहाल, इस छोटी सी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और मोदी जी के कुरान पढ़ने पर आपकी क्या राय है यह तो हमें कमेंट कर जरूर ही बताएं। बहरहाल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें, और पास ही में लगे बेल आइकॉन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज, जय हिंद।